मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार से आम जनता के साथ कांग्रेस नेता भी परेशान है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का दर्द भी जुबान पर आ गया है। उन्होंने कहा, कमलनाथ सरकार में हमारी बात नहीं सुनी जाती। कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच की कड़वाहट सार्वजनिक हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता अजय सिंह ने भी कमलनाथ सरकार के खिलाफ बागी रुख अख्तियार कर लिया है। अजय सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। उनका कहना है कि वह अपने क्षेत्र सीधी में विकास कार्य करना चाहते हैं, लेकिन कमलनाथ सरकार में उनकी आवाज अनसुनी की जा रही है। अजय सिंह सीधी पहुंचे, यहां उन्होंने कहा, मैं सीधी में विकास कार्य करना चाहता था, युवाओं को रोजगार देना चाहता था, यहां की सिंचाई व्यवस्था में सुधार करना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज अब नहीं सुनी जा रही है। अजय सिंह कमलनाथ सरकार में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। युवा संवाद कार्यक्रम में वो भावुक हो गए और उनका दर्द उनकी जुबान पर आ गया और उन्हें कहना पड़ा, हमारी ही सुनवाई नहीं हो रही, सरकार होने के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इससे जाहिर है कांग्रेस के भीतर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और कांग्रेस गुटबाजी के भंवर में फंसी हुई है। ठीक ठाक होने के बावजूद सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हमों का बहुत कल्पना रही कुछ काम करेंगे, हमों बहुत सोचे रहे यहन के क्षेत्र के विकास के, यहन के युवा साथिन के बेरोजगारी दूर करें के, सिंचाई के साधन के और सब चीजन के तरह, लेकिन आज हमारा सुनवाई नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। हाँ।